यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। सेंटर ऑफ मास वर्सेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिनको नहीं पता भाई याद दिला देते हैं जिनको, क्योंकि कई बच्चों को इसमें डाउट रहता है। पहले तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या फर्क है ना? सेंटर ऑफ मास क्या है? वेटेड एवरेज ऑफ मास, कुछ नहीं, एवरेज पोजीशन है ना, वेटेड मैथमेटिकल वेटेड एवरेज है। ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं अपन, वेटेड एवरेज ऑफ मास है ना। ये क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? पॉइंट ऑन ए बॉडी। और यहीं से तुम्हारा पिछले क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें यहीं मिल जाएगा, अगर तुम्हें सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क पता है तो। पॉइंट ऑन ए बॉडी अबाउट विच टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो। बॉडी पे ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क जीरो हो, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और इसीलिए mg को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगाया जाता है हमेशा। mg को हमेशा कहां लगाते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। अब होता क्या है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म, अब देखो हमें बताते ना, देखो तुम्हारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डाउट क्लियर करते हैं पहले जिनको रहता है। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास एंड, अरे यार बहुत ही गलत हो रहा है, डॉक्टर से ज्यादा गंदी राइटिंग आ रही है। तो इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म के ऊपर क्यों भाई, ये टी थोड़ी ना है, ये क्या चल रहा है, ये टी थोड़ी ना है, पूरा मिट गया। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड। देखो मेरी राइटिंग गंदी है आज, जितनी गंदी आ रही है उतनी गंदी भी नहीं है ऑनेस्टली, पता नहीं आज कुछ ज्यादा गंदी आ रही है या फिर आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, मतलब ये कह लो, मतलब गंदी है ये, मैं खुद एडमिट कर रहा हूँ, इतनी गंदी नहीं है ना। वरना जो लोग नए आए हैं वो कहना रहे ये तो बहुत ही गंदी राइटिंग लिखते हैं, हमने तो बस सुना था ये गंदी राइटिंग लिखते, ज्यादा गंदी राइटिंग लिखते हैं, जितना सुना तो उससे भी ज्यादा गंदी इनकी राइटिंग। तो भाई पढ़ देता हूँ जिनको समझ में नहीं आ रही है। तो क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स, है ना। कोइंसाइड मतलब बेटा एक के ऊपर एक होते हैं ना। तुम कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा, अबे रुक जा सब समझ में आएगा अभी, रुक जा पहले मैं ये समझ लूँ बोर्ड पे लिखते कैसे हैं। हाँ अब इसका मतलब समझ ही गए होगे। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी लिखना है सच ए बोरिंग टास्क, मैं बोल ही देता यार इससे। चलो तुम लोग नोट्स वोट्स लेके बैठे हो, लिख रहे हो, ये बता रहा हूँ इतने अच्छे से। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेविटी, हाँ कोइंसाइड करते हैं, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी डज नॉट कोइंसाइड, ऑब्वियस सी बात है। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट कोइंसाइड, वो अलग अलग हो जाते हैं ना। तो देखो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ना। तो जैसे लो इधर पे अब अपना जगह की कमी हो गई है हमेशा की तरह, तो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लो है ना, अपन अर्थ है ना, ये अपनी बहुत बड़ी अर्थ है ना, तो अर्थ पे जब अपन एक छोटी सी रोड लेते हैं ना, है ना, जैसे एक छोटी सी रोड ले ली मैंने अर्थ पे, ये दिख नहीं रहा होगा रेड कलर है, चलो कौन सा कलर लें, येलो ले लेते कलर, एक छोटी दो रोड ले रहे हैं ना, इस रोड की हाइट मान लो 1 मीटर है, तो अब क्या है 1 मीटर में इतनी हाइट में ग्रेविटी चेंज नहीं होती, अपन ग्रेविटी को कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। तो इसके केस में क्या हो जाता है, इस वाले केस में ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही हो गया और सेंटर ऑफ मास भी यही हो गया, ठीक है। तो अपन mg इस पे लगा देते हैं, पर अगर मैं रॉड बहुत बड़ी मान लूं नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी के लिए, मान लो बहुत बड़ी रॉड है, कितनी बड़ी रॉड है भाई, लेट्स से 10,000 किलोमीटर, अर्थ के डायमीटर के बराबर लगभग 10,000 किलोमीटर की रॉड है, तो भाई अब ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है। मान लो इधर ग्रेविटी की वैल्यू इतनी है, लेट्स से g1, तो ऊपर कम हो जाएगी, जितने जैसे जैसे दूर जाओगे ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाएगी, g2 विल बी लेस देन g1, समझ रहे हो, इधर पे जो ग्रेविटी है ऊपर जो ग्रेविटी है दैट विल बी लेस देन g1, नीचे की ग्रेविटी ऊपर से ज्यादा होगी। हाँ तो अब सेंटर ऑफ मास तो भाई क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, एक तरह से वेटेड एवरेज, तो सेंटर ऑफ मास तो बिल्कुल बीचों बीच ही आएगा 5,000 किलोमीटर पे। सेंटर ऑफ मास कहेगा मेरे को मतलब नहीं है, सेंटर ऑफ मास को ग्रेविटी ग्रेविटी से मतलब नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास तो तुम्हारा यहीं पे आएगा। तुम लोगों को दिख रहा ही नहीं, दिख रहा बोर्ड वोर्ड पे, लाइट वाइट पड़ रही है वहां पे, आई होप दिख रहा हो, है ना। तो सेंटर ऑफ मास कहेगा मेरे को मतलब नहीं है भाई, मैं तो 5,000 आधा बीच में आता हूँ, बीच में ही आऊंगा, तो वो 5,000 किलोमीटर पे आ गया।
पर क्या तुम गैस मार सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ आएगा? सोचो थोड़ा सा, खुद से सोचो। नीचे ज्यादा ग्रेविटी है, ऊपर कम ग्रेविटी है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ पे आएगा। ये शायद वाला कलर मैं दिख रहा हूँ, मैं व्हाइट से लिख देता हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुम्हारा कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पे कोइंसाइड नहीं करेंगे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेंगे, दोनों बिल्कुल अलग अलग जगह आएंगे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अबाउट ग्रेविटी का टॉर्क जीरो होता है ना। तो तुम कहोगे सर अपन जितने भी क्वेश्चन करते थे उसमें अपन एम जी को सेंटर ऑफ मास पे क्यों लगा देते हैं? क्योंकि यार हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम पूरे अर्थ के बाजू में कर रहे हैं। हम जितने भी क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास या रोटेशनल के चैप्टर में करते हैं हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ करते हैं ना, है ना, अपन नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है, और ग्रेविटी जब कॉन्स्टेंट होती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे लाई करता है, इसलिए अपने लिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होता है। पर अगर अपन बड़े स्केल पे बात करें तो फिर नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटी में चले जाओगे तो फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट नहीं होगा। और ग्रेविटी टॉर्क नहीं देती, देखो दिखा देते हैं। अगर मैं इसको बताएं जीरो टॉर्क मतलब जीरो ओमेगा के साथ फेंकूंगा तो ये जीरो ओमेगा के साथ वापस आएगा, मैं फेंक नहीं पाया जीरो ओमेगा के साथ, यार फेंकना भी मुश्किल होता है देखो, है ना। तो पर अगर इसे मैं घुमा के फेंकूंगा ना तो ऊपर जाएगा ना जब ये, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी सेंटर मास की, पर ओमेगा जीरो नहीं होगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ग्रेविटी टॉर्क नहीं दे रही, अल्फा जीरो है, ओमेगा जीरो, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं घुमा के फेंकूंगा ना, तुम खुद फेंक के देख लेना अपना पेन, है ना, ये टूट गया तो दूसरा नहीं मिलेगा, है ना। तो ग्रेविटी टॉर्क नहीं दे रही, ग्रेविटी ओमेगा चेंज नहीं कर सकती। अगर इसको ऐसे छोड़ूंगा ना तो ऐसे ही गिरेगा, देखो इसको ऐसे छोड़ूंगा तो सीधा गिरेगा, हॉरिजॉन्टल छोड़ूंगा तो हॉरिजॉन्टल गिरेगा, ग्रेविटी टॉर्क नहीं देती। हाँ,